जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। तो फाइनली हमारे साथ है अंडर ऑफिसर हर्ष, जो कि रिसेंटली अभी हाल बटालियन पे आरडीसी का सिलेक्शन देके आए और फाइनली हर्ष ड्रिल के थ्रू आरडीसी के लिए सिलेक्ट है, मतलब जो फर्स्ट कैंप होता है आरडीसी का उसके लिए। तो वहाँ पे हर्ष की पूरी यूनिफॉर्म चेक की गई थी कि यूनिफॉर्म में जो मिस्टेक्स होती है उनके मार्क्स कट किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में हर्ष की जो बैरेट से लेकर बुट तक जो यूनिफॉर्म है उसके बारे में पूरी बारीकियाँ बताऊंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर के कैडेट हैं और आपने अभी एनसीसी ज्वाइन की है तो कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको यूनिफॉर्म में नहीं करनी है, और एक परफेक्ट यूनिफॉर्म कौन सी सिलवानी जो आपको फर्स्ट ईयर से लेकर सेकेंड थर्ड ईयर तक जहां तक भी आप एनसीसी कर रहे हैं वहां पे वो यूनिफॉर्म आपको पूरी काम दे। ऐसा नहीं हो कि यूनिफॉर्म गलत हो, आपने रेडीमेड सिलवा ली हो तो बहुत बड़ी गलती होती वो। तो हमेशा यूनिफॉर्म आपको परफेक्ट सीटिंग वाली एक परफेक्ट टेलर से सिलवानी चाहिए और उसको बताना कि किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इसके आपके मार्क्स कट होते हैं आरडीसी के सिलेक्शन में, फर्दर आपको टीएससी जैसा कैंप करते हैं जो बड़े कैंप होते हैं एनसीसी के वो। और फिर भी अगर आप एक एनसीसी कैडेट हैं तो तब भी आपको इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। तो आज हमारे साथ है अंडर ऑफिसर हर्ष झा, जो कि हमारे निर्मला कॉलेज ऑफ उज्जैन के एनसीसी कैडेट है, सीनियर कैडेट है, जिनका अभी आरडीसी के लिए सिलेक्शन चल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी जो यूनिफॉर्म का टर्नआउट है, हमें कुछ इस तरह की यूनिफॉर्म सिलवानी है। हमेशा आपको 3-बटन रूल फॉलो करना है। तो आप इनके शर्ट में देख सकते हैं सिर्फ 3 बटन जो है हमारे शर्ट के वो विजिबल है। यहाँ हमारे बैजेस वगैरह लगे हुए हैं, रैंक वगैरह लगी हुई है, आप देख सकते हैं लैनयार्ड लगी हुई है इधर हमारी, और नीचे आप देख सकते हैं बेल्ट लगा हुआ है। तो बेल्ट और हमारे जो बटन है और हमारी जो जिप है पैंट की, वो सब लाइन में होनी चाहिए। इसके अलावा आप शूज देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पूरे डीएमएस शूज है जो कि हमारे हार्ड सोल के शूज़ हैं। आप एकदम पास से मैं आपको दिखाता हूँ, हार्ड सोल के शूज़ हैं जो कि बहुत शानदार शूज़ है एनसीसी ड्रिल करने के लिए। और यहाँ पे आप नीचे से पैंट की जो फिटिंग है वो देख सकते हैं, ये एकदम वो वाली यूनिफॉर्म है जो हर कैडेट को सिलवानी चाहिए अपनी एनसीसी की लाइफ में, एनसीसी जर्नी में ये वाली आपको यूनिफॉर्म सिलवानी है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे आर्म्स जनरल एनसीसी के लिखे हुए हैं, यहाँ पे हमारी नेम प्लेट है, हर्ष झा नाम लिखा हुआ है। ऊपर हमारा नाम हिंदी में रहता है, नीचे इंग्लिश में रहता है। तो इस तरह की आपको एकदम परफेक्ट नेम प्लेट बनवानी है जो कि एकदम अच्छी वाली क्वालिटी की रहेगी, एकदम ऐसी क्वालिटी की। आप रील ड्रिल करो, डगड़ा खाओ, कुछ भी करो, ये नेम प्लेट कहीं नहीं जाने वाली। यहाँ पे आपके बैचेस वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे CATC कैंप का हमारा बैच लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा एडवांस लीडरशिप जो 2024 वाला कैंप है LC वाला जो हर्ष ने करा था उसका बैच लगा हुआ है, यहाँ पे EBSB कैंप का बैच लगा हुआ है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का, और यहाँ पे अंडर ऑफिसर की रैंक लगी हुई है। और यहाँ पे हमारी जो लैंड यार्ड है ये लगी हुई है, आप देख सकते हैं पीछे से होते हुए हमारी आएगी, और ये जो हमारा पॉकेट है इसके अंदर जाएगा इसका जो हमारा विसल वाला हुक रहता है वो। और यहाँ पे हमारा लेदर वाला बेल्ट है जो कि सीनियर्स यूज करते हैं, और इसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे DMS, ठीक है। तो कुल मिला के आप टर्नआउट का पूरा फोटो भी देख सकते हैं। इस तरह की हमारी यूनिफॉर्म होनी चाहिए एनसीसी की। आरडीसी कैंप के लिए जो कैडेट जाते हैं उनकी यूनिफॉर्म परफेक्ट इसी तरह की होती है, हर एक यूनिफॉर्म का पूरे मार्क्स होते हैं ये बैरेट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्लीन शेव होना बहुत जरूरी है, एनसीसी के यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हम, आप देख सकते हैं साथ में आप मुझे रख सकते हैं, यहाँ पे आप हेयर कट भी देख सकते हैं, एकदम प्रॉपर आर्मी वाला होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं बैरेट की, तो बैरेट में देख सकते हैं इस तरीके से आपको बैरेट को लगाना है, हेयर कट हमारी एकदम स्ट्रेट रहेगी। इसके अलावा साथ में आप देख सकते हैं बैरेट को लगाने का पूरा तरीका है, पीछे से हमारा एक वी करके एक शेप बनता है, उस शेप को आपको बनाना है, और कुछ इस तरीके से हमारी पूरी यूनिफॉर्म कंप्लीट होती है एनसीसी की। वन ऑफ द बेस्ट कैडेट की हमें यूनिफॉर्म देखने को मिल रही है, मतलब कि मैंने अभी तक काफी यूनिफॉर्म देखी है, मतलब मेरी नजर के सामने आए हैं, बट याली जो यूनिफॉर्म है बेस्ट है, ठीक है। तो सभी कैडेट्स को बेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप फर्स्ट ईयर के कैडेट है तो बिल्कुल आपको इसी तरह की यूनिफॉर्म सिलवानी है, सेकंड ईयर के कैडेट है तब भी आपको इस तरह की यूनिफॉर्म सिलवानी है, और आप अगर आरडीसी जैसा बड़ा कैंप करना चाहते हो तो 100% आपको इसी तरह की यूनिफॉर्म सिलवानी है। फाइनली कैडेट्स, आपने पूरी तरीके से वीडियो को देख लिया है, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में एनसीसी ज्वाइन कर रहे हो तो बिल्कुल इन गलतियों को मत करना, एकदम परफेक्ट यूनिफॉर्म सिलवानी जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो हर्ष की यूनिफॉर्म एकदम परफेक्ट है, और हर्ष को बहुत बहुत बधाई हो कि उनका आरडीसी के फर्स्ट कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ है। तो कैसे हुआ, तो सबसे पहले हर्ष ने जो कैंप किया था वो था CATC कैंप, जो कि नॉर्मल 10 डेज का कैंप होता है। उसके बाद जो सेकंड CATC कैंप हर्ष ने किया था उसमें आरडीसी कैंप अटैच था, तो वहां से सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हर्ष ने किया था अपना EBSB कैंप, एक बार श्रेष्ठ भारत कैंप, जो कि आप बेस्ट देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैंप था ALC कैंप, एडवांस लीडरशिप कैंप 2024, आप देख सकते हैं, जो कि हमारा लगा था उड़ीसा में। यानी कि आप देख सकते हैं कि हर्ष ने 4 कैंप किए और जो कि बहुत ही शानदार तरीके से किए। हमें बताइए कि नेक्स्ट कैंप आप कौन सा करने वाले हैं, आपका आरडीसी के लिए सिलेक्शन हुआ है तो कब से है? अभी मैंने बटालियन में अभी मैंने सिलेक्शन दिया जिसमें मैं सिलेक्ट हो चुका हूं, जिसमें मेरा 1 तारीख से अभी कैंप लगने वाला है मऊ में 2 MP RV में, और फिर उसके बाद अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो मेरे कंटिन्यूसली सिलेक्शन कैंप चलते रहेंगे आरडीसी के लिए। थैंक यू सो मच हर्ष सर। थैंक यू सर, आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस आपके आने वाली जर्नी के लिए। डेफिनेटली हर्ष सर हमें सपोर्ट करेंगे, और आप सभी को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एनसीसी से रिलेटेड, एनसीसी कैंप से रिलेटेड और आरडीसी से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच हर्ष सर, आप आए और आपने इतना टाइम निकाला। तो नेक्स्ट क्या कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा। अगर आपको एलसी के ऊपर वीडियो चाहिए जो कि हर्ष सर ने कर रखा है तो उसके ऊपर इंटरव्यू आ जाएगा, EBSB के लिए आ जाएगा, और आरडीसी का कैसे प्रोसेस रहा सिलेक्शन उसके ऊपर वीडियो आ जाएगा। तो जो भी आप डिटेल जानना चाहते हैं कमेंट कीजिए, और हर्ष सर की आप इंस्टा आईडी दे सकते हैं, यहाँ पे हर्ष सर से आप और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो भी आपको डाउट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।